हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह, बीएससी पार्ट फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं बेस्पर, BSEPRT। यह सिद्धांत क्या है, आइए वीडियो के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। लास्ट वीडियोज में हमने संकरण की परिभाषा, संकरण के प्रकार और किस तरीके से किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु पर हम संकरण ज्ञात कर सकते हैं फॉर्मूला के आधार पर हमने देख लिया था, और हमने यह पता लगा लिया था कि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु कौन सा होता है और उस केंद्रीय परमाणु पर संकरण कैसा होता है, और संकरण हमको किसी भी अणु की ज्यामिति के बारे में बताता है कि उस अणु की ज्यामिति क्या होगी। यह संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं BSEPRT, बी से मतलब है बैलेंस, बैलेंस का मतलब है संयोजकता, एस से मतलब है सेल, सेल से मतलब है कोष, ई से मतलब है इलेक्ट्रॉन, पी से मतलब है पेयर, पेयर का मतलब युग्म, आर से मतलब है प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का मतलब है रिपल्सन, और टी से मतलब है यहां पर थ्योरी, थ्योरी का मतलब है सिद्धांत। यह सिद्धांत वास्तव में क्या था, तो हम लास्ट वीडियोज में यह देख चुके हैं कि किसी भी अणु की यदि हमें ज्यामिति देखनी है तो ज्यामिति का निर्धारण हम संकरण के प्रकार के आधार पर आसानी से कर सकते हैं कि उस अणु की ज्यामिति क्या होगी। इस बेस्पर को सबसे पहले वैज्ञानिक गिलेस्पी और नाइहोम, ये दो वैज्ञानिक अलग अलग थे, इन्होंने प्रतिपादित किया था। और इस बेस्पर थ्योरी का जो यूज किया जाता है वो मुख्यतः किसी भी अणु की संरचना को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, दैट मींस शेप, और हम इसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, शेप और स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल। यदि किसी अणु की हमें शेप निकालनी है या संरचना निकालनी है, स्ट्रक्चर ज्ञात करनी है, तो हम बेस्पर के द्वारा आसानी से उस अणु की शेप या स्ट्रक्चर निर्धारित कर सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन दोनों वैज्ञानिकों ने दिया। कुछ पॉइंट्स दिए थे, क्या क्या पॉइंट्स थे वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अभी मैंने आपको ये बताया कि संकरण जो होता है उसके द्वारा हम किसी भी अणु की ज्यामिति को निर्धारित कर सकते हैं, जबकि बेस्पर के द्वारा हम किसी भी अणु की संरचना को निर्धारित कर सकते हैं। अब वास्तविकता यह है कि इन दोनों ज्यामिति, जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री और दूसरा मैं बोल रहा हूं क्या, संरचना, जिसे हम बोलते हैं शेप और स्ट्रक्चर, इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, ज्योमेट्री जो होती है किसी भी अणु की, उसमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ हम लोन पेयर को भी कंसीडर करते हैं, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म प्लस अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, दोनों को यदि किसी भी अणु का हम 3D स्पेस में उसको अरेंज करें तो हमको ऑब्टेन होने वाला उसका जो फॉर्म होता है वो कहलाता है ज्यामिति। दैट मींस ये हुआ कि यदि किसी भी अणु में दो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी दो हैं, और यदि हमें दोनों लोन पेयर और दोनों ही बॉन्ड पेयर को 3D में अरेंज करना है, तो अरेंज करने के बाद जो भी उसका उस अणु का रूप बनेगा वह होगी उसकी ज्यामिति। ज्यामिति से मतलब होता है हम वहां पर उस अणु में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर को भी 3D स्पेस में कंसीडर करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं संरचना की, तो वहां केवल और केवल बॉन्ड पेयर को कंसीडर किया जाता है, कभी भी लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ, यदि किसी अणु में, जैसे मैंने अभी कहा था, दो बॉन्ड पेयर हैं और दो ही लोन पेयर हैं, और यदि हमें दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर को 3D स्पेस में दिखाना है, और दिखा रहे हैं हम उस अणु को, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वह उस अणु की क्या कहलाएगी, ज्यामिति कहलाएगी। लेकिन यदि उसमें से लोन पेयर को हटा दें और केवल बॉन्ड पेयर रहने दें, तो वह उस अणु की क्या कहलाएगी, संरचना कहलाएगी, जिसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चर और शेप। इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को कंसीडर करके किसी भी मॉलिक्यूल की निकाली जाती है, और ये ज्यामिति जो होती है वो कौन निर्धारित कर देता है, जो भी संकरण होता है, संकरण का प्रकार आपको ज्यामिति को बता देता है। किसी भी अणु में जो भी केंद्रीय परमाणु होगा
उसकी कौन सी संकरित अवस्था है उसके आधार पर आप उस अणु की ज्यामिति दिखा सकते हैं। ज्यामिति में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि संकरण किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु पर sp3 आया है तो उसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी, संरचना चतुष्फलकीय भी हो सकती है, पिरामिडीय भी हो सकती है, वी आकार भी हो सकती है, क्योंकि हम ये देखते हैं संरचना में हम केवल किसको कंसीडर करते हैं, ओनली एंड ओनली बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं, लोन पेयर को हटा देते हैं। अब स्थिति एक ऐसी आती है, अब बेसपर ने जो पोस्टुलेट दिए थे उस पोस्टुलेट की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो बिंदु था, जो अवग्रहित था, जो पॉइंट था बेसपर का, वो ये था कि यदि किसी भी अणु में सभी की सभी बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, कोई भी अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि उस अणु में केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए अन्य जो भी परमाणु है वो केवल बॉन्ड पेयर से जुड़े हुए हैं, कोई भी लोन पेयर उस अणु में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस अणु की ज्यामिति तथा संरचना समान होती है। ये बेसपर का पहला पोस्टुलेट है, पहला अवग्रहित है, पहला बिंदु है। बेसपर ने ये बताया कि कोई भी अणु है उस अणु में यदि जुड़े हुए परमाणु केवल बॉन्ड पेयर से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म से जुड़े हुए हैं, कोई भी उसमें लोन पेयर नहीं है, दैट मीन्स अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो उस अणु की ज्यामिति तथा संरचना समान होती है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं उसकी ज्योमेट्री निकाल रहा हूं तो देखिए ज्योमेट्री इक्वल टू स्ट्रक्चर कब होगा, जब मैंने अभी ज्योमेट्री आपको बताया था कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को कंसीडर करके हम क्या देते हैं, ज्योमेट्री, और यहां पर हम क्या कंसीडर करते हैं, ओनली और ओनली बॉन्ड पेयर। और कोई अणु ऐसा है जहां केवल बंधे इलेक्ट्रॉन युग्म है, दैट मींस केवल बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, हमने कंडीशन ये लगाई है पहले पॉइंट में जो बेसपर ने कहा था, यदि एलपी इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, देन एलपी इज इक्वल टू जीरो है, दैट मींस बीपी प्लस एलपी, इसका मान जीरो हो गया तो इधर क्या रह गया, केवल बीपी, बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर से मतलब बंधे इलेक्ट्रॉन युग्म, तो उस अणु की ज्योमेट्री भी, क्योंकि स्ट्रक्चर किसके बराबर होती है, बीपी के, और ज्योमेट्री किसके बराबर होगी, यदि उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो भी बीपी के। इसका मतलब जो इसका पहला पॉइंट था बेसपर का वो ये था कि यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणु केवल बॉन्ड पेयर के द्वारा जुड़े हुए हैं, उसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो उस अणु की ज्यामिति भी वही होती है जो उसकी संरचना होती है। इसका मतलब हम यह निष्कर्ष यहां से निकाल सकते हैं कि यदि किसी अणु में लोन पेयर जीरो है तो उस अणु की ज्यामिति संरचना के समान ही होगी, अर्थात यदि हमें संकरण का प्रकार वहां पर पता है केंद्रीय परमाणु का, तो हम उस अणु की संरचना को भी दिखा सकते हैं। इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। यह हो गया हमारा पहला पॉइंट बेसपर का, क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो बेसपर का दूसरा अवग्रहित था। दूसरे अवग्रहित में यह कहा गया कि यदि किसी अणु में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी है, यदि किसी अणु में कोई भी केंद्रीय परमाणु और उस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणु बॉन्ड पेयर के साथ साथ किससे जुड़े हुए हैं, लोन पेयर से जुड़े हुए हैं, दैट मींस जो हमारी पहली कंडीशन थी जहां पर एलपी का मान जीरो था, वो मान जीरो नहीं है। दैट मींस इफ एलपी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ज्योमेट्री जो होगी उस अणु की वो कभी भी स्ट्रक्चर के इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ बेसपर के दूसरे अवग्रहित के अनुसार, यदि किसी अणु में किसी केंद्रीय परमाणु पर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी उपस्थित है, तो उस अणु की ज्यामिति तथा संरचना समान नहीं होती, अर्थात भिन्न भिन्न होती है, अर्थात उसकी संरचना में विकृति उत्पन्न हो जाती है, डिस्टॉर्शन उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई लोन पेयर नहीं होगा तो
उसकी ज्यामिति और संरचना समान होगी। यदि लोन पेयर होगा तो ज्यामिति और संरचना कभी भी समान नहीं हो सकती। ज्यामिति आप किससे निकालेंगे? उस अणु में जो भी केंद्रीय परमाणु होगा उसके संकरण के प्रकार से आप ज्यामिति निर्धारित कर देंगे। लेकिन यदि उसमें लोन पेयर हुए तो बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर हुए तो उसकी ज्योमेट्री ज्यामिति संरचना के कभी भी इक्वल नहीं होगी। अब ये लोन पेयर करेंगे क्या, ये क्या उत्पन्न कर रहे हैं? उसमें विकृति उत्पन्न कर रहे हैं। विकृति से मतलब है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन से मतलब जो उसका 3D स्पेस में बॉन्ड पेयर जुड़े हुए थे और साथ में क्या आ गए, लोन पेयर आ गए। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को कंसीडर करके तो हम क्या दे देंगे, उसकी ज्योमेट्री, और लोन पेयर को हटा देंगे। हम क्या करेंगे, केवल जो उसकी ज्यामिति आई है उस अणु की उसमें से लोन पेयर को हटा दें तो उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगी, उसकी संरचना। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी भी अणु में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर है तो उन लोन पेयर में, या जिन्हें हम बोलते हैं आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, आपस में भी प्रतिकर्षण होता है। और प्रतिकर्षण से, क्योंकि देखिए आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म में इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण आवेश है, समान आवेश में हमेशा प्रतिकर्षण होगा, और वहां पर प्रतिकर्षण होने की वजह से क्या आती है, विकृति उत्पन्न होती है। इस प्रतिकर्षण का क्रम क्या होता है, वो क्रम होता है कि यदि उस किसी भी अणु में दो एनपी है, एनपी का मतलब लोन पेयर आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म में, तो होने वाला उन दोनों के बीच होने वाला जो प्रतिकर्षण होगा वह सबसे ज्यादा होगा। प्रतिकर्षण से ऊर्जा बढ़ेगी, स्थायित्व कम होता है। और यदि मान लीजिए एक लोन पेयर और दूसरा बॉन्ड पेयर है, और तीसरा जो लास्ट होता है जो सब जगह देखने को मिलेगा, जिसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, रिपल्सन का ऑर्डर वो होगा बॉन्ड पेयर का। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा विकृति किसी भी अणु में वहां आएगी जहां पर दो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, या बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा वहां पर विकृति कम आएगी, और बॉन्ड पेयर के बीच में जो होने वाला रिपल्सन होता तो है लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इसको नगण्य मान सकते हैं। इसलिए किसी भी अणु की ज्यामिति और संरचना तब समान नहीं हो सकती जब उस अणु में केंद्रीय परमाणु से लोन पेयर भी जुड़े हुए हैं, और ये लोन पेयर उसमें क्या उत्पन्न कर देते हैं, विकृति उत्पन्न कर देते हैं। विकृति उत्पन्न करने से बंध कोण पर भी प्रभाव पड़ता है, और विकृति उत्पन्न करने का जो क्रम होता है, यदि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा है, सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर के बीच में होता है, तो वहां पर विकृति सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है, बंध कोण पर भी सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में उससे कम रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम प्रतिकर्षण होता है। ये बात हुई बेस्पर के दो पोस्टुलेट की। पहले पोस्टुलेट में यह कहा था यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के पास बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म में है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो उसकी ज्यामिति और संरचना समान होती है। दूसरे में उसने कहा था गिलेस्पी और नाइयोम ने, यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी है तो उस अणु की ज्यामिति और संरचना कभी भी समान नहीं होगी, उसमें विकृति आ जाती है, विकृति आने की वजह होती है प्रतिकर्षण, और वो प्रतिकर्षण का क्रम होता है ये, इस वजह से बंध कोण भी प्रभावित होता है। तीसरा जो पोस्टुलेट इसका आता है, पांच पोस्टुलेट आपको देखने हैं, तीसरा पोस्टुलेट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि ये तीसरे पोस्टुलेट में व्याख्या करता है किसकी, बंध कोण की, कि किस तरीके से हम बॉन्ड एंगल को डिसाइड कर सकते हैं। और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहां से क्यों कारण का क्वेश्चन बनता है ये आप देख सकते हैं। चौथे में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बारे में ये बात बताता है कि डबल बॉन्ड कैसा स्पेस, कहां पर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कहां पर कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और पांचवा और अंतिम इसका पोस्टुलेट है जहां पर केवल बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं हो तो उस अणु की ज्यामिति किस तरीके से प्रभावित होती है या नहीं होती है, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। ओके।